कि आप सभी को पता है कि 501, 502, 503 का एग्जामिनेशन खत्म हो चुके हैं और आपको अभी ज़रूरत है सिर्फ 504 और 505 का। तो इसमें किस प्रकार से क्वेश्चन रहते हैं, क्या क्या है, पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हम आपको बताने वाले। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। स्टार्ट करने से पहले आप सभी को वेलकम करते हैं, वेलकम टू आवर डिजिटल क्लास। हमारे डिजिटल क्लास में आप सभी का स्वागत है। यहाँ जो हम जो आज जो टॉपिक्स में बात करने वाले हैं, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन जिसको शॉर्ट में डीलेट कहते हैं, उन सारे कैंडिडेट, उन सारे टीचर्स के लिए जो एनआईओएस से कर रहे होंगे उनके लिए बहुत ही ज़बरदस्त खुशखबरी है कि आपके डिजिटल क्लास में जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन को सॉल्व करके यहाँ पर बताने वाले हैं। तो यहाँ पर 505 के लिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन में हम लोग थोड़ा एक नज़र डालते हैं। तो उससे पहले हम लोग एनआईएस का जो ऑफिशियल वेबसाइट, वहाँ पर जाने पड़ेंगे और वहाँ पर देखने पड़ेंगे कि 505 में क्या चीज़ का कोर्स है। तो चलिए ले चलते हैं 505 की ओर। आप यहां पर देख पा रहे हम लोग एनआईएस का ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं और 505 में यहां पर देख पा रहे 505 में प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के अधिगम के बारे में यहाँ पर पढ़ाने वाले हैं। यानी कि इसमें जो है आपका जो भी क्वेश्चन है 505 में इस विषय को रहने वाले। तो आइए हम लोग देखते हैं कि इसका जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन किस टाइप से पूछे गए थे, जो कि काफ़ी में भी मददगार होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हम लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन सेट वन में, यहाँ पर प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं 505 का यहाँ पर आ चुके हैं, 505 का यहाँ पर आ चुके हैं प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का अधिगम। तो यहाँ पर 505 में यहाँ पर पूरा का पूरा इंस्ट्रक्शन दिया गया है। इंस्ट्रक्शन में क्या है आइए बताते हैं। लिखे हुए परीक्षार्थी प्रश्न पत्र के पहले पृष्ठ पर अपना अनुक्रमांक अवश्य लिखे। जैसे कि इसका सिलेबस और अभी का सिलेबस में काफ़ी बदलाव किए गए, काफ़ी चेंज किए गए हैं। यहाँ भी रोल नंबर है लिखने का, अभी भी रोल नंबर है, पहले भी रोल नंबर लिखने का था। अंतर यहां पर है कि कृपया प्रश्न पत्र को जांच ले कि प्रश्न पत्र के कुल पृष्ठों तथा प्रश्नों की उतनी ही संख्या है जितनी प्रश्न पृष्ठ के सबसे ऊपर छपी है। इस बात की जांच भी कर ले कि प्रश्न क्रमिक रूप में है। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के लिए आपको प्रश्न के ए बी सी डी विकल्पों में से सही उत्तर चुनना है तथा उससे आपको उत्तर पुस्तिका में लिखना है। यहाँ पर कहे जा रहे हैं कि जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, एमसीक्यू क्वेश्चन है, उसमें से चार में से एक को चुनना और लिखना अपना उत्तर पुस्तिका में। उत्तर पुस्तिका में पहचान चिन्ह बनाने अथवा निर्दिष्ट स्थानों के अतिरिक्त कहीं भी अनुक्रमांक लिखने पर परीक्षार्थी को आयोग ठहराया जाएगा। मतलब कहीं पर भी कुछ भी ना लिखें। ऐसे फिर लिखा हुआ ऐसे प्रश्न जिसे जैसे मिलान करना, सही अथवा गलत, रिक्त भरो, रिक्त स्थान भरो आदि के उत्तर उत्तर पुस्तिका में लिखें। अपनी उत्तर पुस्तिका पर प्रश्न पत्र की कोड ऐसा कि दर्ज करने, मतलब अपना उत्तर पुस्तिका में जो इस कोड को दर्ज करने के लिए कहेंगे। तो यहाँ पर अगर बात कहते हैं डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एडुकेशन 505 के लिए, तो आपको जो टोटल जो 3 घंटा का आपका समय मिलेंगे और टोटल जो 70 मार्क्स होते हैं और 30 मार्क्स का आपका असाइनमेंट का, टोटल 100 मार्क्स हो चुके हैं। तो यहाँ पर जो है 505 में कोड में जो है आपको जो है यहाँ पर टोटल अगर क्वेश्चन का बात करते तो पहले 42 क्वेश्चन पूछते थे, बट अभी सिर्फ 18 क्वेश्चन ही आपको बनाने हैं। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो सभी प्रश्न अनिवार्य है और प्रत्येक अंक के लिए उसके सामने दिए गए, मतलब यहाँ पर जो है जितने भी आंसर है सारा का सारा यहाँ पर देख पा रहे हैं। 15 क्वेश्चन पहले ऑब्जेक्टिव टाइप का आते थे जिसमें से एक के लिए 1 मार्क्स, बट अभी एमसीक्यू टेस्ट जो है 10 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, एक के लिए जो है 2 नंबर आपको दिए जा रहे हैं। इसके साथ ही साथ यहाँ पर देख पा रहे हैं बहुत सारा क्वेश्चन जो आप अपने से सॉल्व कर सकते हैं। एक बच्चा कहता है आकाश में बना इंद्रधनुष अत्यंत सुंदर है, बच्चे की यह समझ प्रदर्शित करती है। किसको प्रदर्शित करती है? नैतिक मूल्य को, सौंदर्य परक को, परक मूल्य को, पर्यावरण का मौलिक मूल्य को, या भावनात्मक मूल्य को? इसमें से कौन सा आंसर यदि आपको पता है तो हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा, क्योंकि इसके बाद का वीडियो अगर आप चाहते हैं, इसके बाद का वीडियो अगर इस सभी का आंसर एक साथ चाहते हैं तो कमेंट लिखकर हमें जरूर बताइए। हम 505 के लिए पूरा का पूरा कम्प्लीटली सोल्यूशन आप तक हम पहुँचाएंगे। तो इससे अच्छा है, इससे पहले आप अपना कॉमेंट करके जरूर बताइए कि आप जानते हैं कि नहीं जानते। उसी प्रकार से यहाँ पर देख पा रहे पर्यावरण अध्ययन शिक्षण अधिगम के बाल केंद्रित विधि के अनुसार एक शिक्षक। तो यहाँ पर भी ऑप्शंस दिए गए, इस ऑप्शंस में कौन सा ऑप्शंस होगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। उसी तरह से 3 नंबर का क्वेश्चन इस तरह से करके पूरा का पूरा जो है आपका क्वेश्चन भरे हुए। निम्नलिखित में से कौन सा संपूर्ण शिक्षा का उद्देश्य नहीं है? तो यहाँ पर कौन सा उद्देश्य नहीं इसी के बारे में पूछे जा रहे हैं 505 में। फिर यहाँ पर सहपाठी के रूप में एक शिक्षक की भूमिका होती है, कैसे भूमिका होती है, यहाँ पर ऑप्शंस दी जा रही है। तो यदि आप इसका आंसर नहीं जानते हैं तो कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइए और
और जानते हैं तो इन सभी का आप आंसर जरूर आप हमें कमेंट बॉक्स पर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है पूरा का पूरा आपको हम सोल्यूशन आपको बताने वाले। उससे पहले आप अपनी राय जरूर रखें कि आपका क्या राय है इस विषय के बारे में, क्योंकि यहाँ पर देख पा रहे पूरा का पूरा पूरा क्वेश्चन यहाँ पर भरे हुए देख पा रहे हैं, पूरा 15 क्वेश्चन जो थे यहाँ पर देख पा रहे हैं। छात्रों की प्रगति की रिपोर्ट के लिए पोर्टफोलियो के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं, पोर्टफोलियो में बच्चों द्वारा बनाए गए चित्र, चित्रकला एवं रेखा रेखाचित्र होते हैं, पोर्टफोलियो में क्षेत्र भ्रमण की बच्चे द्वारा बनाई गई रिपोर्ट होती है, पोर्टफोलियो में बच्चे द्वारा किया गया केवल श्रेष्ठ कार्य होता है, पोर्टफोलियो को शिक्षक द्वारा अभिभावक को दिखाना चाहिए, तो कौन सा होना चाहिए हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। यहाँ पर देख पा रहे उसके बाद 16 से लेकर 30 नंबर तक का जो क्वेश्चन होते थे पहले शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन होते थे, बट अभी जो है अभी तीन टाइप में ही बटा गया, पार्ट वन पार्ट टू पार्ट थ्री के टाइप में बटा गया। यहाँ पर भी बहुत सारा क्वेश्चन जो कि आप अपने से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर देख पा रहे पर्यावरण अध्ययन में कुछ भी अंतिम रूप से सही और गलत नहीं है, इस कथन का औपचारिक अतोचित साबित कीजिए, मतलब कि इसको स्टेटमेंट में क्या है आप इसको कंप्लीट अपने हिसाब से बताइए कि क्या है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि पूरा का पूरा यहाँ पर क्वेश्चन पड़े हुए हैं, इन सभी का आंसर जानने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। यहाँ पर देख पा रहे 31 से 40 के लिए आपको जो है शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए, जो कि दो क्वेश्चन यहाँ पर 10 यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पर जो है बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ पर आपको पड़े हुए हैं जो कि काफ़ी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, अगर इन सभी के आंसर चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखिएगा। यहाँ पर इसके साथ साथ यहाँ पर 41 से 42 तक का यहाँ पर देख पा रहे पूरा का पूरा यहाँ पर 42 क्वेश्चन पहले पूछे जाते थे अभी नहीं पूछे जाते। यह वीडियो आपको कैसा लगा, यदि आंसर चाहिए तो कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को साथ शेयर करके उनका भी मदद कर दें, ताकि उनको पता चल जाए कि 505 में किस टाइप का क्वेश्चन है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं इन सभी का आंसर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।